नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। 16 साल बाद ऐसा आया फैसला जिसमें पूरे पूर्वांचल को थर्रा दिया है। बता दें कि माफिया मुख्तार को 10 साल और भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट में MP MLA कोर्ट से दोषी करार मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। भाजपा विधायक कृष्ण राय और विश्व हिंदू परिषद के नेता रुंगटा की हत्या से जुड़ा है मामला। बता दें कि उत्तर प्रदेश में संगठित गिरोहबाजों पर कानून की एक और चोट पड़ी है। गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने मामले में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश कुमार ने मुख्तार को 10 साल और कैद 5 लाख रुपए जुर्माना, जबकि अफजाल को 4 साल कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया है। सजा सुनाए जाते समय मुख्तार बांदा जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जबकि अफजाल कोर्ट रूम में खुद मौजूद था। जैसे ही जज ने सजा का ऐलान किया, दोनों भाइयों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कोर्ट में मौजूद अफजाल को न्यायिक अभीक्षा से लेकर गाजीपुर जेल भेज दिया गया। आइए जानते हैं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। कानूनी रूप से जब भी किसी को सजा सुनाई जाती है, उसे तत्काल पुलिस हिरासत में लेके और अभिरक्षा में न्यायिक लेके जेल भेजा गया है और वो यहाँ की जेल में भी गए। और जेल में भी सुरक्षा के काफी इंतजाम मालूम पड़ रहा, वहाँ भी किए गए हैं। हाँ, पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध सारी जेलों में है, यहाँ पे भी पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध है। तो चूंकि सांसद रहे हैं, तो क्या अलग से कुछ जेल में अलग से आइसोलेशन में रखा जाएगा, जेल के अंदर कुछ ऐसे इंतजाम किया गया है? ये जेल सुपरिंटेंडेंट ने अपनी व्यवस्था की होगी, ये उनका विषय है, लेकिन सुरक्षा पूरी, उन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से सुरक्षित और पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी उन्हें जेल में रहने के दौरान। मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटे दोनों की तलाश की जा रही है, उनका क्या स्टेटस है? जहां पर उनका घर है, पैतृक आवास, पूरे जनपद में पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है, सभी स्थितियों पे अपना नजर रखे हुए हैं और जो भी जिस तरह का कोई इनपुट आ रहा है सभी पे नजर है और कानून व्यवस्था बिल्कुल बनी रहेगी। अभी भी बिल्कुल सब स्थिति ठीक है। उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास है क्या? वो तो यहाँ इनामी है, 50,000 की इनामी है यहाँ पे और पुलिस लगातार तलाश कर रही है। और बेटा उमर अंसारी, उसके बारे में यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये सुना है कि शायद मऊ से वो भी वांछित है। बट अब एक सवाल, एक मामला है कोर्ट न्यायालय में, जो न्यायालय की फैसला आएगी उसमें मुझे न्यायालय के फैसले पर विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ। अब इसके साथ जो हुआ है हुआ है, आने वाला समय में कैसा क्या होगा वो तो मैं ही नहीं बता सकती हूँ, बाकी आने वाला समय में ये बता सकती हूँ कि गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो गया है और खत्म हो जाएगा, कि तो जेल में रहेंगे नहीं तो ऊपर चले जाएंगे, तो है। आज गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। मैं कोर्ट को अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, साथ ही प्रदेश के मुखिया महाराज जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। पिछले सरकारों में ये गुंडे माफिया आतताई के रूप में काम करते थे और इनका केवल पैसा था लोगों से धन उगाही करना। आज यही गुंडे माफियों का सफाया हो रहा है, या तो ये गुंडे माफिया जेल में है या आसमान में है। मैं एक बार पुनः कोर्ट को और महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ।